एक माह से बिगड़ी है बिजली व्यवस्था, भीषण गर्मी में आमजन परेशान। नाचना गांव सहित आसपास क्षेत्र में गत एक माह से विद्युत व्यवस्था के कारण आमजन को भीषण गर्मी के मौसम में परेशानी से रूबरू होना पड़ रहा है। गौरतलब है कि गत वर्ष गांव में आए दिन विद्युत तारों के जलने फॉल्ट की समस्या से आमजन को परेशानी हो रही है, जिसके बाद डिस्कॉम की ओर से लाखों रुपए की धनराशि खर्च कर जुलाई 2020 में नई तारें पोल लगाकर मेंटेनेंस का कार्य किया गया था। डिस्कॉम अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया था कि अब गांव में बिजली की कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन गत एक माह से पुनः वही समस्या उत्पन्न हो गई है। आए दिन विद्युत कटौती आंख मिचौनी का दौरा लगा रही है। बिजली की आवाजाही के कारण भीषण गर्मी के मौसम में ग्रामीणों का बेहाल हो रहा है। कई बार गुल हुई बिजली घंटों तक सुचारू नहीं हो पाती है, जिसके कारण ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। कहने को तो डिस्कॉम की ओर से नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाते हैं तथा आमजन को समस्याओं के त्वरित निस्तारण के दावे भी किए जाते हैं, लेकिन घंटों तक विद्युत आपूर्ति सुचारू नहीं होने पर उपभोक्ताओं की ओर से फोन करने पर अधिकारी व कर्मचारी बात तक नहीं करते। यदि कभी कभार फोन उठा भी लेते हैं तो 33 kV लाइन बंद या अन्य फीडर में फॉल्ट का कहकर फोन काट दिया जाता है। ऐसे में ग्रामीणों को संतोषजनक जवाब भी नहीं मिलता। डिस्कॉम के अधिकारियों ने बताया कि आसकंदरा गांव के पास स्थित लैंको सौर ऊर्जा कंपनी के 33 kV जेसस पर एक ब्रेकर गत 10-12 दिनों से खराब है, जिससे आसकंदरा व विद्युत के फीडर में आपूर्ति हो गई थी। उन्होंने बताया कि कंपनी के अधिकारियों को ब्रेकर ठीक करवाने के लिए कहा गया, लेकिन कभी अभी तक ठीक नहीं हो पाया। ऐसे में आसकंदरा व दीधु में नाचना जीएसएस से विद्युत आपूर्ति की जा रही है। दूरी अधिक होने के कारण आए दिन लाइन में फॉल्ट हो जाता है, जिसका खामियाजा नाचना के ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। गांव व आसपास क्षेत्र में एक माह से विद्युत व्यवस्था लड़खड़ाई होने के कारण इसका असर जलापूर्ति व्यवस्था पर भी पड़ रहा है। जलदाय विभाग ने फीडरों पर पर्याप्त विद्युत आपूर्ति नहीं होने के कारण क्षेत्र में पानी की आपूर्ति करना मुश्किल हो रहा है, जिसके कारण ग्रामीणों को ट्रैक्टर टंकियों से पानी खरीद कर मंगवाना पड़ रहा है, जिससे उन्हें परेशानी हो रही है। जैसलमेर नाचना से RPD न्यूज की खास रिपोर्ट।